ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रिस्पी और बढ़िया डोसा तैयार है, गर्मा गर्म सांबर के साथ, नारियल की चटनी के साथ. आई एम गोइंग टू डिग इन दिस यमी एंड क्रिस्पी मसाला डोसा. रियली रियली वेरी यमी. आई एम गोइंग टू हैव अ बाइट विद दिस नारियल चटनी एंड सांबर. दिस इज रियली वेरी नाइस. ये देखिए, बहुत ही क्रंची, बिल्कुल क्रिस्पी और इतना बढ़िया मसाला डोसा है कि आप ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे. डोसा जो है वो चावल, धुली उड़द की दाल, इससे बनाया जाता है. डोसे के बैटर को क्रिस्पी बनाने के लिए और ताकि वो तवे पर ना चिपके, हम यहाँ पर चिड़वा यूज़ करेंगे. मैंने 3 कप चावल लिए हैं. ये देखिए, मैंने बिल्कुल सादे वाला चावल लिया है. ये थोड़े से थिक वाले चावल हैं. इसमें आप स्टार्च वाले चावल यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया बनेंगे. कोशिश करें कि आप बासमती ना लें और लंबे वाले चावल तो बिल्कुल भी नहीं. यहाँ पर मैंने 1 कप उड़द की दाल ली है, धुली उड़द की दाल है ये. यहाँ पर मैंने सभी मेजरमेंट्स इस मेजरिंग कप से किए हैं. ये 250 ml का कप है. आधी कटोरी यहाँ पर चिड़वा लिया है, बारीक या मोटा कोई भी चिड़वा चलेगा. और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है. इससे भी डोसे का स्वाद जो है बहुत बढ़िया आता है, बहुत ही क्रिस्पी डोसे बनते हैं. और ये बाय भी नहीं करते. चावल और दाल को धोकर अच्छे से भिगो लूंगी ओवरनाइट, या फिर आप इसे 4-5 घंटे के लिए भिगो दें. 4-5 घंटे में भी अच्छी तरह से भीग जाते हैं. चिड़वा जो है जब मैं बनाने लगूंगी उससे 15-20 मिनट पहले ही धोकर भिगोऊंगी और मेथी दाना भी भिगो दूंगी. तो ये देखिए, यहाँ पर है हमारे भीगे हुए सभी चीजें. तो मैं इन सबको एक एक करके पीस लूंगी. तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चावल पीस लेंगे. हम 2 बार में पीसेंगे इन्हें ताकि इजीली पीस जाएं. हम इसमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालेंगे. ये देखिए, अभी भी इसमें चावल में दाना है और हमें इसे अगर थिक करना है तो मैं इसमें आधा जो चिड़वा है वो ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने भिगो कर रखा हुआ है. ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेगा और चावल भी अच्छे से और इजीली पीस जाएंगे इससे. देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से पिस गया है चावल और चिड़वा जो है, बिल्कुल भी कोई मोटे दाने नजर नहीं आ रहे हैं. तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे. फ्रेंड्स, एक चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप ये बैटर रखें फर्मेंट होने के लिए तो किसी बड़े बाउल में रखना है, छोटे बर्तन में नहीं रखना. अगर आप छोटे बर्तन में रखेंगे तो वो निकल कर बाहर गिरने लगेगा. इसी तरह मैं सभी चावल और दाल भी पीस कर इसमें मिला दूंगी. ये देखिए, अच्छे से पिस चुकी है दाल, तो हम इसको भी चावल वाले बैटर में ऐड कर देंगे. फर्मेंट होने के बाद भी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज होती है. अभी ये बहुत थिक बैटर है, आप देख पा रहे होंगे कि कितना गाढ़ा है ये बैटर. मैं इसमें 1 कप पानी जो है ऐड कर रही हूँ और इसको मिक्स कर देंगे. तो मैं इसे 2 बाउल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ताकि फर्मेंट होने के बाद बाहर ना गिरे. तो मैं इस वाले बाउल को जो है वो माइक्रोवेव में रखूंगी और इसको अलमीरा में रख दूंगी और मैं आपको ओवरनाइट फर्मेंट करने के बाद इसको दिखाती हूँ. ये देखिए फ्रेंड्स, डोसा और इडली बैटर को रखे हुए 12 से 14 घंटे हो चुके हैं. मैंने इसे अभी माइक्रोवेव से बाहर निकाला है और ये वाला बैटर जो है वो मैंने किसी गर्म कपड़े में लपेट कर रखा था क्योंकि आजकल विंटर्स हैं तो फर्मेंटेशन उतनी जल्दी नहीं होती. ये देखिए, कितना बढ़िया तरीके से फर्मेंट हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से हवा जो है भर चुकी है, बिल्कुल एरेट हो चुका है. और ये जो दूसरा बैटर है, ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है. ये भी काफी लाइट और एयरी हो चुका है. तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हम एडजस्ट करेंगे पानी मिलाकर हल्का सा. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मसाला डोसा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ. जिस तरह से मार्केट में मसाला डोसा मिलता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो देख लेंगे. यहाँ पर मैंने डोसा बैटर लिया है. यहाँ पर लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू, जिनको की मैंने बॉयल करके छील लिया है. 12 से 15 करी पत्ते, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है. हरा धनिया, 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है. 2 मीडियम साइज के अनियन, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है. 1 मुट्ठी मटर, ये फ्रोजन मटर है, आप चाहे तो बॉइल्ड मटर यूज कर सकते हैं. 1 से 2 छोटी हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको मैं कद्दूकस करके डालूंगी. ऑयल लिया है तड़के के लिए और डोसा बनाने के लिए. यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है डोसा के मसाला को मॉइस्ट करने के लिए. तड़के के लिए ली है मैंने 1 टीस्पून राई और सरसों, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर. तड़के के लिए ली है मैंने 1 चम्मच चने की दाल और धुली उड़द की दाल, ये कच्ची दाल है, इनको हम भून कर यूज करेंगे. और यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच सांबर मसाला, इसको प्रॉपर साउथ इंडियन फ्लेवर देने के लिए
अगर आपके पास सांबर मसाला नहीं है तो आप इसमें गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले डोसे के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आलू को क्रश कर लेंगे। मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम स्टफिंग के लिए मसाला बनाएंगे। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगेगा हम इसमें सरसों डाल देंगे। जैसे ही सरसों चटकने लगेगी हम इसमें चने की दाल और उड़द की दाल डाल देंगे और इनको गोल्डन होने तक भून लेंगे। इससे प्रॉपर साउथ इंडियन फ्लेवर्स उभर कर आते हैं। दाल गोल्डन हो चुकी है, कलर चेंज हो गया है दाल का। अब हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। करी पत्ता के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। इनको हल्का भून लेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, लाल नहीं करना हमें। इनका हल्का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च। तो मैं इसमें अदरक जो है वो इस टाइम डाल रही हूँ ताकि उसका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए, अच्छा लगता है वो। तो अगर आप चाहें तो उसे प्याज के साथ पहले ही भून सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम सांबर पाउडर डाल देंगे, इसको भी हल्का सा भून लेंगे। टमाटर, टमाटर डालने के बाद हम गैस का फ्लेम जो है वो हल्का सा लो कर देंगे। तो इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। तो मिक्स कर देंगे। 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाए और मसाले के साथ भून जाए। तो हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। अगर आप इस स्टेज पर इसको पीस लेंगे तो ये बिल्कुल चटनी का काम करेगा और साउथ इंडियन फ्लेवर देगा आपको। क्योंकि टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप और वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। फ्रोजन मटर है जिनको कि मैंने गर्म पानी में से निकाल लिया है। मसाला भून चुका है, साइड से घी छोड़ने लगा है। अब हम इसमें ये मैश किए हुए आलू डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। मुझे लगता है कि मसाला डोसा जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है डोसा में, क्योंकि ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सांभर मसाला की। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे, तो इसको एक बार मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मसाला रेडी है, अब हम डोसा बनाना शुरू करेंगे। डोसा बैटर रेडी है। मैंने डोसा बैटर में ऑलरेडी सॉल्ट डाल दिया था। तवा जो है वो गर्म हो चुका है, तो इसको हम चेक करने के लिए इस पर पानी स्प्रिंकल करेंगे। ये नॉनस्टिक तवा है इसलिए इसे ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरा तवा यूज़ कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें और उसके बाद पानी छिड़क कर देखें। इसको अच्छे से गर्म होना चाहिए तवे को। ये देखिए पानी अच्छे से इवेपोरेट हो रहा है, एकदम से गायब हो रहा है डालते ही। तो इसका मतलब तवा रेडी है। डोसा बैटर की कंसिस्टेंसी जो है वो ये होनी चाहिए, इतना रनी होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम डोसा बना लेंगे। उसके लिए हम सेंटर में बैटर पोर करेंगे जितना कि हमें डोसा के लिए चाहिए और इसको इस तरह से राउंड मोशन में घुमाते हुए हम अच्छे तरीके से डोसे को फैला लेंगे। शुरू में गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे और बाद में जो है फ्लेम को हम लो टू मीडियम ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके। ये देखिए यहाँ पर हल्का हल्का कलर आने लगा है, तो मैं गैस का फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी ताकि ये अच्छे से सेक पाए। हम इस पर इस तरह से ऑयल अप्लाई कर देंगे, इससे ऊपर की तरफ से भी ये सेक जाता है इजीली। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे। अगर हमें कहीं से लगेगा कि ये थिक है तो हम उसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम गैस का फ्लेम दोबारा से हाई कर देंगे ताकि डोसा पर अच्छा सा कलर आ जाए। 5 मिनट का समय लगता है एक डोसा को बनने में। डोसा काफी क्रिस्पी हो चुका है और ये देखिए इसकी साइड्स जो है वो ये छोड़ने लगा है। ये देखिए आराम से निकल रहा है ये बिल्कुल, और बिल्कुल गोल्डन डोसा है। तो अब हम इस पर ये मसाला स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो इस पर रेड चटनी भी स्प्रेड कर सकते हैं। पहले हम सिर्फ सेंटर में मसाला स्प्रेड करेंगे, अगर हम सारे में करेंगे तो डोसा जो है वो काफी सॉगी हो जाएगा, गीला हो जाता है। इस पर थोड़े से कटे हुए प्याज डाल देंगे, थोड़ी सी मटर डाल देंगे कलर के लिए और इसको हम फोल्ड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया डोसा बना है, ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इस पर। तो डोसा रेडी है, हम इसे सर्व कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी डोसा बना है, आप देख पा रहे होंगे ये देखिए, और थिन डोसा है बिल्कुल। मैं इसे सांबर और चटनी के साथ सर्व करूंगी। यहाँ पर मैं सांबर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम सांबर के इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे।
मैंने यहाँ पर एक कप तुअर दाल ली है, यानी कि अरहर की दाल ली है, और इसको मैं अच्छे से दो तीन पानी से धो लूंगी। यहाँ पर मैंने लिया है रेड पम्पकिन, यानी कि जो कद्दू होता है पीला वाला, वो लिया है यहाँ पर मैंने। यहाँ पर गाजर है, ये लाल वाली गाजर है जो कि इंडियन गाजर होती है, ये दूसरी वाली है। एक छोटी गाजर ये है और एक गाजर ये वाली है। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी बीन्स ली है, एक दो छोटे वाले प्याज लिए हैं, इनको मोटा मोटा चॉप किया है। यहाँ पर मैंने ली है घिया, इतना बड़ा पीस लेकर इसको टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर छोटे साइज का बैंगन है, इसके मैंने मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी घुल जाता है। ऑयल लिया है तड़के के लिए, यहाँ पर मैंने 3 to 4 tablespoons ऑयल है। एक छोटे साइज का प्याज है बारीक कटा हुआ, दो टमाटर है इनको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हाफ कप इमली का पानी है, मैंने यहाँ पर अबाउट 40 grams इमली को पानी में सोक कर लिया था और उसके बाद उसको बॉयल करके उससे ये पानी बना लिया है। तड़के के लिए हमने यहाँ पर ली है 2-3 लाल मिर्च सूखी हुई। यहाँ पर हमने ली है 1 teaspoon सरसों, 1.5 teaspoon के करीब नमक है। अगर नमक कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। साउथ इंडियन स्टाइल सांभर में गुड़ भी यूज होता है, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पीस लिया है गुड़ का। बहुत ज्यादा गुड़ नहीं ऐड करेंगे, अदरवाइज सांभर मीठा हो जाता है। ये सिर्फ इसकी खटास को बैलेंस करने के लिए है। 1 teaspoon हल्दी ली है, 1 teaspoon रेड चिली पाउडर लिया है। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर अवॉइड कर सकते हैं। 3 tablespoons सांभर मसाला लिया है। यहाँ पर 1 inch का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसको कि मैं ग्रेट करके यूज करूंगी। 2 चुटकी हींग लेंगे और 12 से 15 करी पत्ते हैं वो लिए हैं मैंने। तो अब हम सांभर बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए, सांभर बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर में दाल डाल रही हूँ। यहाँ पर 1 cup दाल है और उसमें 3 cup पानी डाल दिया है। यहाँ पर मैं 1.5 teaspoon नमक डाल रही हूँ और इसमें हल्दी डाल देंगे। हम इसे 2-3 विसल लगा लेंगे। इसको हमने 4 to 5 विसल दिला ली हैं। ये देखिए, दाल जो है पूरे अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अभी ये काफी थिक है सांभर के हिसाब से, आप देख पा रहे होंगे। इसमें अभी भी दाना है जो अभी सब्जियों के साथ कुक हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक एक करके सब्जियां डाल देंगे। तो मैं इसमें सिर्फ प्याज को छोड़कर बाकी सभी सब्जियां डाल दूंगी। ये देखिए, हम सबसे पहले गाजर डाल देंगे, साथ ही हम दूसरी वाली गाजर भी डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, कद्दू डाल देंगे, बीन्स भी डाल देंगे, यहाँ पर बैंगन और घिया है ये भी डाल देंगे। इनको हल्का मिक्स कर देंगे। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो कुछ सब्जियां मैश हो जाएंगी और कुछ इसी तरह रहेंगी, जो कि खाने में काफी अच्छी लगती हैं। अब मैं इसमें लगभग 1 liter पानी डाल दूंगी क्योंकि सब्जियां कुक होने के बाद सांभर काफी गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए, हम इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें 1 liter पानी डाला था, अब मैं इसमें 0.5 liter के करीब पानी और डाल रही हूँ क्योंकि सांभर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। इसी के साथ मैं 0.5 sambar masala ऐड कर दूंगी। मैं इसमें 2 tablespoons सांभर मसाला यहाँ ऐड कर रही हूँ, 1 tablespoon मैंने तड़के में ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसे बाद में ही ऐड कर सकते हैं। तो हम प्रेशर कुकर बंद कर देंगे। अब हम इसको 2 whistle और लगाएंगे जिससे कि सब्जियाँ आधी कुक हो जाएंगी और आधी रह जाएंगी। तब तक हम तड़का तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 tablespoon ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें सरसों डाल देंगे। सरसों की स्प्लटर होते ही हम इसमें करी पत्ता डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ साथ ही हम इसमें हींग डाल देंगे क्योंकि हींग जो है जलेगी नहीं। अगर हम इसे पहले डालते तो हींग जलने का डर रहता है। साथ ही हम इसमें कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे। इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। ये भी तड़के में बहुत अच्छी लगती हैं, इनसे अपना ही एक अलग फ्लेवर आता है। इनको फ्राई करके मैं निकाल लूंगी ताकि मैं इसे सांभर को सर्व करते हुए ऊपर से डाल सकूं। ये देखिए, प्याज भून चुकी है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इसी में हम साइड में रेड चिली पाउडर डाल देंगे ताकि अच्छे से भुन जाए और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर देंगे। साथ ही हमने जो सांभर मसाला बचा कर रखा था वो डाल देंगे। तड़के का कलर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, आप देख सकते हैं। हमें तड़के को तब तक कुक करना है जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल नहीं जाते। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है सांभर मसाला और करी पत्ता की। तो तड़का रेडी है, टमाटर पूरी तरह से भून चुके हैं। तो अब हम इसमें ये जो हमने प्याज लिया था हम इसको डाल देंगे। इसको डालकर जस्ट थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि उससे ये भी मशी हो जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए। जस्ट इसे 1 minute के लिए कुक करेंगे और हम गैस बंद कर देंगे। तड़का रेडी है, अब हम सांभर चेक कर लेंगे। हम प्रेशर कुकर खोलकर चेक करेंगे। इसमें 2 whistles आ चुकी हैं, प्रेशर रिलीज हो चुका है।
ये देखिए सांभर अच्छे से पक चुका है, सब्जियां भी पूरी तरह मैश नहीं हुई हैं, बिल्कुल वही कंसिस्टेंसी है जो बाजार के सांभर की होती है। हम इसमें इमली का रस डाल देंगे। हो सकता है आपको ये भी पतला लग रहा हो, बट जब हम सांभर को रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये काफी गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि अरहर की दाल जो है वो काफी जल्दी गाढ़ी होती है, तो इसलिए यही कंसिस्टेंसी परफेक्ट है। बट अगर आपको पतला लगे तो आप 1.5 लीटर की जगह 1 लीटर पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। साथ ही हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे और इमली का पानी डालकर हम इसे पकाएंगे जरूर, क्योंकि कच्ची इमली से गला जो है वो खराब होने का डर रहता है। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बॉयल लगा लूंगी पहले, उसके बाद मैं इसमें तड़का मिलाऊंगी। तड़का रेडी है, अब हम इसमें जो हमने सांभर को बॉयल लगाया है उसको डाल देंगे। परफेक्ट गर्मा गर्म सांभर रेडी है। सांभर पर बहुत ही प्यारा कलर आया है, ये बहुत ही यमी दिख रहा है। गैस बंद कर रही हूँ तो हम सांभर को सर्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल क्रिस्पी और बढ़िया डोसा तैयार है गर्मा गर्म सांभर के साथ, नारियल की चटनी के साथ। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू डिक इन दिस यमी एंड क्रिस्पी मसाला डोसा। इट्स रियली रियली वेरी यमी। आई एम गोइंग टू हैव अ बाइट विद दिस नारियल चटनी एंड सांभर। This is really very nice. I'm going to show you this upper part of the dosa. ये देखिए बहुत ही crunchy, बिल्कुल crispy और इतना बढ़िया मसाला डोसा है कि आप जरूर try करना चाहेंगे. So please do try this recipe and share your feedback with me. Stay tuned. Thanks for watching and enjoy these yummy recipes.